तो दोस्तों कई बार आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप मुझसे बड़े हो, या फिर आप मुझसे छोटे हो, या फिर आप मेरे सबसे बड़े भाई हो, या फिर आप मेरे सबसे छोटे भाई हो। अब यहाँ पर भाई के स्थान पर आप कुछ भी बोलते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो देखिए, यदि कोई बड़ा भाई है तो उसके लिए आपको एल्डर का यूज़ करना है, और यदि कोई छोटा है तो उसके लिए आपको यंगर का यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो एल्डर और यंगर है, ये यदि आपको सबसे बड़े और सबसे छोटे रखते हैं तो इनकी डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ आप मेरे बड़े भाई हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर माई एल्डर ब्रदर, यानी कि आप मेरे बड़े भाई हो। और यदि मैं बोलूँ आप मेरे सबसे बड़े भाई हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू आर माई एल्डेस्ट ब्रदर, यानी कि आप मेरे सबसे बड़े भाई हो। और यदि मैं इसे को ही बोलूँ कि आप मेरे छोटे भाई हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू आर माई यंगर ब्रदर, यानी कि आप मेरे छोटे भाई हो। और यदि मैं इसको ही हाई लेवल पे बोलूँ, यानी कि आप मेरे सबसे छोटे भाई हो, तो यहाँ पर क्या है कि हमने डिग्री चेंज करनी है, यानी कि यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर। तो इस तरह से आप इन्हें आसानी से बोल सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बोलता हूँ, आप मेरे बड़े नहीं छोटे भाई हो। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। थैंक यू।